हेलो दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है जो आईफोन्स हैं उनके लिए जो अपडेट है एक आ गया 13.4.1 आईफोन 6s के लिए आया है और बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं आईफोन 11 11 प्रो मैक्स या आईफोन XS उसके लिए आया। आईफोन 13.5 का अपडेट आ गया है। इस अपडेट में हमको बहुत सारे जो नए नए फीचर्स हैं वो देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो आज हम इसी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। मेरे पास है ये आईफोन 6s, इसमें भी अपडेट आ गया है, 13.4.1 का अपडेट आ गया जो कि अभी दोस्तों एक नया अपडेट है कि माना जा रहा है जो ये नया अपडेट है। और अब देखते हैं कि इसमें जो क्या क्या खास फीचर्स, मैं आपको सारे के सारे फीचर्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत करिए। और अगर आपके फ़ोन में आईफोन 6s है आपके पास, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमको जो टाइपिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं, तो जो अब आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने वाली हैं। मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपको सारे जो आपके डाउट्स हैं और जो ये अपडेट आया है जो क्या क्या अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगा तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आप कंफर्म बता दूंगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आईफोन 6s की बैटरी अच्छी चले, आपकी टाइपिंग अच्छी हो और जो नए नए स्टिकर्स का आप मज़ा ले पाएं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैंने अपने फ़ोन को अपडेट किया नहीं है, अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन जो जो नए नए फीचर्स हैं, मेरा एक अलग दूसरा फ़ोन आईफोन 6s जो कि अपडेट हो गया है, मैंने सारे फीचर्स उसमें इस्तेमाल करके देखे और उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या जो नए फीचर्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नया तो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को ध्यान से दबा लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोज़ रोजाना देखने के लिए मिलती रहती हैं। वादा करता हूँ आपसे ऐसी वीडियोज़ हमेशा लेके आता रहूँगा आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं जो पहला नया फीचर है इसकी बात करते हैं। जो इसकी साइज़ है 7.1 MB यानी 787 MB का ये अपडेट आया है आईफोन 6s के लिए। और जो बाकी सारे यूज़र्स हैं अब उनके लिए कितना नया, लेकिन मेरे पास आईफोन 6s है और जो भी मेरे भाई बंधु हैं उनके पास आईफोन 6s है, तो भैया आपके लिए जो अपडेट आया होगा 787.1 MB का अपडेट आया है। जाइए चेक करिए और डाउनलोड करिए और बात करते हैं उसके कुछ खास फीचर्स की। एक नौ नए मेमोजी हैं जो स्टिकर्स आए, इंक्लूडिंग स्माइलिंग फेस विथ हर्ट्स के साथ में ऐसे नए नए कुछ स्टिकर्स हैं जो कि आए हैं आपके कीबोर्ड में, जाइए चेक कर लीजिए। हैंड प्रेस टुगेदर एंड पार्टी फेस का एक नया ऑप्शन मेमोजी आया है, हैंड फेस्ट प्रेस्ड टुगेदर और पार्टी फेस का जो नया मेमोजी आया चेक कर लीजिए। फाइल्स की बारे में बात करते हैं, जो फाइल्स हैं उनके लिए आई क्लाउड ड्राइव ड्राइवर फोल्डर शेयरिंग फ्रॉम द फाइल्स ऐप। तो जो आपका आई क्लाउड ड्राइवर फोल्डर था उसको अब आप अपने फाइल्स ऐप में भी दोस्तों शेयर कर सकते हैं। कंट्रोल्स टू लिमिट एक्सेस ओनली एक्सपेक्टली इनवाइट और ग्रांट एक्सेस टू एनीवन विद द फोल्डर लिंक। अभी आपके जो आपके फोल्डर के लिंक होंगे वो आप किसी के साथ भी आराम से शेयर कर सकते हैं और वो साझा कर सकते हैं। और बात करते हैं मेल्स की, तो मेल्स में भी बहुत सारे नए नए जो ऑप्शन हैं, नए नए फीचर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात आती है कीबोर्ड की, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम थी कीबोर्ड की। जो बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि भैया हम टाइपिंग करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा लैग देखने के लिए मिलता है, हमारा फ़ोन बहुत स्लोली चलता है या फिर टाइपिंग में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जो पहला फीचर है वो है प्रेडिक्टिव टाइपिंग सपोर्ट फॉर अरेबिक, जो पहला है यानी अभी जो इसमें सपोर्ट अरेबिक भाषा का सपोर्ट मिल जाएगा जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और दिस अपडेट आल्सो इंक्लूडिंग बग फिक्सेस एंड अदर इंप्रूवमेंट्स। दिस अपडेट जो भी आपको बग्स देखने के लिए मिलते थे, आप जब टाइपिंग करते थे कभी कभी आईफोन 6s में टाइपिंग रुक जाती है, तो वो जो बग्स था उसको फिक्स कर दिया गया। और बहुत सारे ऐसे जो आपको टाइपिंग करने पर काफ़ी स्लोली रिस्पॉन्स मिलता था वो भी फिक्स कर दिया गया, वो ख़त्म हो गया। और बात करते हैं जो इसका एड स्टेटस बार इंडिकेटर ऑन द डिस्प्ले व्हेन VPN हैज डिसकनेक्टेड ऑन आईफोन मॉडल्स विथ ऑल स्क्रीन डिस्प्लेस, ये एक ऑप्शन नया आया है। फिक्स एन इशू इन कैमरा वेयर द व्यू फाइंडर में अपीयर एज ब्लैक स्क्रीन आफ्टर लॉन्च, बहुत सारा ऐसा व्यू फाइंडर ओपन करने के बाद जो स्क्रीन होता था वो पूरा ब्लैक हो जाता था, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है वो भी फिक्स कर दिया गया है। और जो बात करते हैं एड्रेसेस इन एन इशू वेयर फोटोज में अपीयर टू यूज एक्सेस स्टोरेज, जो एड्रेस होते हैं मान लीजिए आप लाइव लोकेशन पे फोटो शूट कर रहे हैं तो आपके जो एड्रेस होते हैं वो दोस्तों बहुत बार ऐसे गुम आपको दिखा देने थे, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है उसको भी फिक्स कर दिया गया अभी। और जो मेल मैसेज के बहुत सारे ऐसे इशूज थे जो कि आपको देखने के लिए मिलते थे वो भी फिक्स कर दिए गए हैं। और बता दूं आपसे
कि जो कारप्ले का ऑप्शन था थर्ड पार्टी नेविगेशन ऐप सपोर्ट फॉर द कारप्ले डैशबोर्ड, अब थर्ड पार्टी ऐप भी जो होंगे नेविगेशन ऐप वो भी सपोर्ट करेंगे कारप्ले में आपके, और इन कॉल इन्फॉर्मेशन अपीयर्स ऑन द कारप्ले डैशबोर्ड। जो आपका कारप्ले जब आपका ऑन रहेगा तो आपका जो कॉल होगी उसके बावजूद भी आपका जो नेविगेशन सिस्टम होगा वो काम करेगा और आपके जो कारप्ले का डिस्प्ले होगा उसमें दिखाएगा काफ़ी आसानी से। और दोस्तों AR क्विक लुक सपोर्ट ऑडियो प्ले बैक इन USDZ फाइल्स, आप जो AR क्विक प्ले करते थे क्विक लुक जो सपोर्ट्स की ऑडियो होती थी AR ऑडियो होती थी वो सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन अभी सपोर्ट करेगी ये फाइल में जो कि आपको फाइल देखने के लिए मिली है वो फाइल में आपको देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। और ऐसे कुछ फिक्सेज हैं जो कि बहुत बार आपको वेब कंटेंट जो कि आपने कॉपी किए रहते थे वो दोस्तों अननेसेसरी डिलीट हो जाते थे, लेकिन वो जो ऑप्शन था वो अभी दे दिया गया है। मैंने आपको जो सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि आपको नए नए देखने के लिए मिलते हैं मैंने आपको सारे साझा कर दिया, और एक छोटा सा वीडियो भी मैंने बनाया जो कि नए नए फीचर्स हैं वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो वीडियो में आपसे आगे मिलता हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिए दोस्तों, जो वीडियो है मैं आपको दिखा देता हूँ, आवाज़ म्यूट रहेगी मैं दूसरी आवाज़ डाल के आपको दिखा दूंगा, जो वीडियो वो है वो देख लीजिए आप, चेकआउट कर लीजिए। तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया, आपने ऑडियो देख लिया, आपने जो वीडियो क्लिप्स थी क्या क्या नया आपको स्पेसिफिकेशन मिलते हैं फीचर्स मिलते हैं 13.4.1 में अपडेट में आपको मैंने बता दिया 787 MB का अपडेट है, चाहिए डाउनलोड कर लीजिए। और टाइपिंग से रिलेटेड जो भी आपके कैमरा में बग्स थे वो सब फिक्स कर दिए गए, आपको जो टाइपिंग है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने के लिए अब मिल जाएगी नए अपडेट में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो तो लाइक करके जाइए, आपका कोई कमेंट या सुझाव दोस्तों तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और आप चैनल पर पहली बार तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए और अपना प्यार दिखा दीजिए हमारे चैनल पर। दोस्तों मिलेंगे आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग ऑलवेज, जय हिंद, वंदे मातरम।